रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज आज वेडनेसडे 25 अगस्त 2021, आज बुधवार 25 अगस्त 2021, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज बुधवार 25 अगस्त 2021, आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में पास्टर क्रिस ओयाखिलो द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, 2 कोरिंथियंस 3:18, दूसरा कुरंथियों के पत्र 3:18, इस वचन के आधार से आज विषय है मिररिंग योरसेल्फ इन द वर्ल्ड, अपने आप को वचन के आईने में देखना। मिररिंग योरसेल्फ इन द वर्ल्ड, अपने आप को वचन के आईने में देखना। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे, 2 कोरिंथियंस 3:18, बट वी ऑल विथ ओपन फेस बीहोल्डिंग एस इन अ ग्लास द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड आर चेंज्ड इनटू द सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी इवन एस बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। और एक बार पढ़ेंगे 2 कोरिंथियंस 3:18, बट वी ऑल विथ ओपन फेस बीहोल्डिंग एस इन अ ग्लास द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड आर चेंज्ड इनटू द सेम इमेज फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी इवन एस बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, 2 कोरिंथियंस, 2 कुरंथियों की पत्री 3:18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरंथियों की पत्री 3:18, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। द टर्म ग्लास इन द स्क्रिप्चर अबाव इन द इज द ग्रीक कैटोप्रिजोमाई and it means to mirror oneself। जो शब्द लिखा गया है वचन में अभी जो हमने पढ़ा, यहाँ इंग्लिश में इसको लिखा है but we all with open face beholding as in a glass, ऐसा लिखा है। और हिंदी में ये ऐसा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, ये दर्पण जो है, और इंग्लिश में जो ग्लास ऐसा लिखा है, तो ये यूनानी शब्द में वचन के अंदर ये शब्द दर्पण और इंग्लिश में ग्लास, ये यूनानी शब्द में कैटोप्ट्रिजोमाई ऐसा इसका नाम है, कैटोप्ट्रिजोमाई ऐसा ये शब्द है। और इसका मतलब है अपने आप को प्रतिबिंबित करना, अपने आप को आईने में एक रूप में देखना, यानी जैसे हम हैं वही हम आईने में दिखाई देते हैं, उस तरह का हमने अपने आप को प्रतिबिंबित करना है, ये इसका अर्थ बनता है। The New International Version says, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. It's talking about the mirror of God which is the Word of God. अगर New International Version, NIV Version, जिसके अंदर से पवित्र बाइबल के शब्दों को भाषांतर किया गया है इंग्लिश में, वो तरीके के भाषांतर में ये कहा गया है कि हम उस प्रकार के उघाड़े गए चेहरे हैं जो हम प्रभु की महिमा को अपने अंदर से दर्शाते हैं, दिखाते हैं, और
हम उसके समानता में, उसकी पहचान में, उसके समानता के रूप में हम परिवर्तित हो जाते हैं और सदा वो बढ़ती ही जाती महिमा, इस प्रकार के हम परिवर्तित होते जाते हैं जो प्रभु से आता है और वो पवित्र आत्मा है जो ऐसा करता है। और ये सब जो बताया जा रहा है इस वचन के अंदर, यह एक आईना है परमेश्वर का, जो परमेश्वर का वचन है, इसी के विषय में ये बोल रहा है। ये सब कुछ जो हम बात कर रहे हैं अभी, दर्पण, ग्लास, अपने आप को आईने में जैसा देखते हैं वैसा हमने प्रतिबिंबित करना है अपने आप को। हम परिवर्तित होते जाते हैं मसीह के समानता में और बढ़ते जाते हैं उसकी महिमा में। ये सारी बातें जो हम करते जा रहे हैं, ये परमेश्वर का दर्पण है, परमेश्वर का आईना है, जो परमेश्वर का वचन है, उसके विषय में ही हम बातें किए जा रहे हैं। As you study and meditate on the word, you are mirroring yourself. जैसे ही आप मनन करते, अभ्यास करते हैं परमेश्वर के वचन का, तो आप अपने आप को प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं, यानी आप दर्पण के सामने जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, उसी तरह से अपने आप की प्रतिबिंबित कर रहे होते हैं आप जब भी आप मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं परमेश्वर के वचन का, तभी आप क्या कर रहे होते हैं, आप प्रतिबिंबित कर रहे होते अपने आप को। What you see in the mirror is the glory of God. आप क्या देखते हैं दर्पण के अंदर, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। Through meditation, the word takes root in your spirit and becomes one with your spirit. It creates a picture in your mind, the image of God's glory. आप मनन के द्वारा परमेश्वर के वचन को जड़ पकड़ने देते हैं आपके आत्मा के अंदर, और फिर वह आपके आत्मा के साथ एक बन जाता है, और फिर वह उत्पन्न करता है एक दृश्य को जो आपके मन में वो उपजता है, और वह परमेश्वर के महिमा का रूप रहता है। For example, you may have thought you were a dirty sinner, but then you looked in the mirror of God and saw that you are the righteousness of God in Christ. अगर एक उदाहरण के तौर पर देखेंगे, आपने सोचा होगा कि आप बिल्कुल ऐसे मलिनता से भरे हुए, आप पापी हो, ऐसा अपने आप को देखा होगा आपने। हो सकता है आपने अपने सोचों में अपने आप को ऐसा देखा होगा, परंतु जब आप फिर परमेश्वर के उस दर्पण में देखने लगते हैं और फिर आप क्या देखते हैं उसके अंदर, कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो मसीह यीशु के द्वारा, जिसने आपके लिए ये बात को घोषणा कर दिया है कि आप निर्दोष हो, आप उस तरह के हो जो आप पाप से मुक्त, दोष से मुक्त कर दिए, ईश्वरीयता में बनाए गए। इस प्रकार से आपको परमेश्वर के वचन में आप दिखाई देते हैं। You looked in the mirror of God and saw that you are the righteousness of God in Christ Jesus. You have been declared not guilty, divinely acquitted. इस प्रकार से फिर अपने आप को आप वचन के अंदर से जब देखना शुरू करते, परमेश्वर के दर्पण में से आप देखना शुरू करते, तो आपको क्या दिखाई देता है कि आप तो परमेश्वर के धार्मिकताओं मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के अंदर आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, और आपको घोषणा कर दिया गया है, घोषित कर दिया है कि आप दोष मुक्त हो, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, अपराध का कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर नहीं है, आप ईश्वरीय तरीके से आप छुड़ा लिए गए हैं। Blessed be God, धन्य हो परमेश्वर। This should completely change your perception and cause you to become immediately righteousness conscious and walk henceforth in righteousness. तो अब आपको पूर्ण रूप से बदल जाना चाहिए आपके समझ में, जो आप पहचानते हैं अपने बारे में, उसमें आपको तुरंत बदल जाना है और संपूर्ण तरीके से बदल जाना है, और यही आपका कारण बन जाना चाहिए कि आप तुरंत उस धार्मिकता के ध्यान में, और आप आगे चलते समय उस धार्मिकता में चलना शुरू करें।
Perhaps you were told you would not amount to anything in life. You are a poor, wretched nobody. हो सकता है, संभव है ऐसा कि आपको बोला गया हो कि आप कोई मोल नहीं रखते हैं किसी भी चीज़ में आपके जीवन में। हो सकता है आपको कहा गया होगा कि आप बहुत गरीब हो, आप बहुत ही बिल्कुल दरिद्र अवस्था के हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ऐसे टूटे फूटे अवस्था के हो। हो सकता है आपको ऐसा बोल दिया गया हो, बट द वर्ल्ड द मिरर ऑफ गॉड शोज अदरवाइज। इट शोज यू बिलोंग इन अ चोसन जनरेशन, अ रॉयल प्रिस्टहुड, अ होली नेशन, अ पिक्यूलियर पीपल हैंड पिक्ड बाय गॉड टू डिस्प्ले हिज मैनिफोल्ड विजडम एंड Praise the virtues and perfections of divinity. 1 Peter 2 chapter 9 verse. परंतु फिर आ जाता है परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का दर्पण है, आईना है। वो तो कुछ अलग ही बता रहा है आपके विषय में। इस प्रकार से वो बता रहा है कि आप जो है वो चुन लिए हुए जाति हो, आप याजक पद के, राज घराने के याजक पद पर हो, आप पवित्र जाति हो, राष्ट्र हो, आप चुन लिया गया आप जन हो, चुन लिए गए हैं आप, ऐसे जन हो। आपको परमेश्वर ने खुद अपने ही तरीकों से चुन लिया है, अपनी सोच अपने समझ के साथ आपको चुन लिया है कि आपके अंदर से वह अपने आप को प्रकट कर सके, जो बहुगुणित ऐसे बुद्धि है उसकी आपके अंदर से वो प्रदर्शित कर सके और उसके गुणों को, उसके व्यक्तिमत्व को, उसके सारे आदतों को, वृत्तियों को, सिद्धता को, ईश्वरीयता के सिद्धता को आपके अंदर से वो व्यक्त कर सके। ये सारी बातें लिखी है पहले पत्रस के 2:9 में, हम पढ़ेंगे उसे। और पहले पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले, अच्छा 9 और एक बार पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। दिस इज द ट्रूथ अबाउट योर पर्सनालिटी दैट यू मस्ट एक्सेप्ट एंड एंडोर्स। हालेलुया। यही सच्चाई है आपके व्यक्तिमत्व की कि आपने उसे ग्रहण कर लेना है और इसके विषय में आनंद करना है। हालेलुया। दिस इज द ट्रूथ अबाउट योर पर्सनालिटी दैट यू मस्ट एक्सेप्ट एंड एंडोर्स। हालेलुया। यही सत्य है आपके विषय में, जो आपके व्यक्तिमत्व के बारे में है, और आपने इसे ग्रहण करना है और उसको साबित करना है, आपने पुष्टि करना है वो वैसा ही है, आपने अपने अंदर से उसको कबूल करके जीना है, अपने अंदर से उसके सारी बातों को दिखाना है, आप वैसे हो करके आपने साबित करना है अपने अंदर से। हालेलुया। Maybe to several nights Satan has been oppressing you in your sleep and you thought you needed deliverance. हो सकता है काफी दिनों से रात में शैतान ने आपको सताया होगा आपके नींद के समय में, और आप सोच रहे होंगे कि आपको छुटकारे की अभी जरूरत है। But you look in the mirror and see
giving thanks unto the Father who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Colossians 1 chapter 12:13. और फिर आप देखते हैं उस दर्पण के अंदर, और क्या देखते हैं आप? कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय के 12 और 13 वचन में लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और एक बार पढ़ेंगे कुलुसियों की पत्री पहले अध्याय का 12 और 13 वचन, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Immediately that truth should get a hold of your spirit and you begin to exercise dominion over Satan and the forces of darkness. तुरंत आपके अंदर आपके आत्मा में इस सत्य को पकड़ लेना चाहिए, और फिर आपने शुरू कर देना चाहिए अभ्यास करना शैतान के ऊपर प्रभुता करने का, और सारे जोर जो अंधकार के हैं उनके ऊपर प्रभुता करने का आपने अभ्यास करना शुरू कर देना है। देयर इज सो मच दैट हैपन्स टू एंड इन योर स्पिरिट एज यू मेडिटेट ऑन द वर्ल्ड यू आर ट्रांसफॉर्म टू बिकम व्हाट यू सी। यहाँ पर इतना कुछ है जो हो सकता है, और आपके आत्मा में जैसे ही आप उसके वचन पर मनन करने लगते हैं आप परिवर्तन हो जाता है आपका। जो आप देखते हैं वचन के अंदर उसके ही रूप में आप परिवर्तन होते जाते हैं। बहुत कुछ है होने के लिए, आपने परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है। आपके आत्मा में आप जैसे ही मनन करने लगते हैं आप परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। जो आप देखते हैं वैसे आप बन जाते हैं। होल्ड ऑन टू द पिक्चर द इमेज ऑफ यू दैट्स प्रोजेक्टेड बाय द वर्ल्ड दैट्स द रियलिटी यू मस्ट कीप अफर्मिंग रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। आपके मन में उस दृश्य को उस रूप को आप पकड़ के रखिए जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया हुआ है। वही सच्चाई है जो आपके अंदर दृढ़ता है। कोई परवाह नहीं परिस्थिति कैसी है, वही सच्चाई जो वचन में है आपके अंदर दृश्य में रूप में आपको पकड़ के रखना है।